राजस्थान के डीडवाना जिले में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत नहरी जलदाय विभाग के द्वारा अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर नहरी जलदाय विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग के द्वारा 170 गांवों को नहरी जल से जोड़कर लाभान्वित किया गया है, जिसमें 400 किलोमीटर की मुख्य लाइन है और इस मुख्य लाइन से किसी को भी कनेक्शन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं विभागीय अधिकारी राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्य लाइनों के अंदर जो भी कनेक्शन पाए जा रहे हैं उन सभी कनेक्शंस को हटाया जा रहा है और संबंधित को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि टंकी की मेन लाइन से पाए गए 16 अवैध कनेक्शन को हटाया गया है और कार्य योजना के तहत ये दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, जिसके तहत निमोद बासा गाँव के अंदर अवैध कनेक्शन पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। डीडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हमारे जिले में पहले से 170 गांवों को लाभान्वित किया गया था, जिनके अंदर हमारे 400 किलोमीटर की मेन लाइन है। उस मेन लाइन से कोई भी कनेक्शन अलाउड नहीं है, नियम के खिलाफ है। उन लाइनों में जो भी कनेक्शन पाए जा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है और संबंधित को नोटिस दिया जा रहा है और उनके खिलाफ थाने में परिवाद दर्ज किया जा रहा है। अभी तक आज दिनांक तक हमारे डीडवाना उपखंड में टोटल 16 कनेक्शन जो हमारे टंकी की मेन लाइन से पाए गए थे उन्हें हटाकर उनको नोटिस दिया गया एवं थाने में परिवाद दर्ज किया गया है। ये हमारा आज दूसरा सप्ताह चल रहा है। इसके तहत आज भी निमोद गांव के अंदर बांसा टंकी के अंदर अवैध कनेक्शन पाए गए हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आगामी सप्ताह में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और जिसके तहत जो भी लोग अवैध कनेक्शन कर रहे हैं उनको नोटिस देना, थाने में परिवाद दर्ज करना, अगर वो पुनरावृत्ति करते हैं तो उस केस में उनके खिलाफ डायरेक्ट FIR का आदेश भी है, जिनकी बिल्कुल पालना की जाएगी। और हमारे एरिया में जो पानी की समस्या है, जो पानी की चोरी की वजह से या अवैध कनेक्शन की वजह से है, जिन्हें हमारा पूरा नियंत्रण रहेगा और उनको आगामी समय में सभी अवैध कनेक्शन हमारे उपखंड से हटा दिए जाएंगे।